और ये देखो आप बाहर कितना बिल्कुल सामने आपको दिखेगा ना जो हिमाचल, वो ऊपरी हिमाचल दिखेगा पहाड़ी। हम चलते हैं माता ज्वाला देवी की तरफ। चिंतपूर्णी से कितने दूर है भैया ज्वाला माता? ये देखो हमारी हरियाणा रोडवेज भी हिमाचल में बिल्कुल फास्ट चल रही है बहुत ज़्यादा। माता के दरबार से इतनी ज़्यादा माता की ज्वाला शक्ति आ जा रही है। ये देखेगा माँ की जोत, ज्वाला माता की जोत एक दिन में तीन रंग बदलती है। राजा अकबर ने जो माता को छत्र दर्शन की थी आप माँ की चांदी की सेज के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी आप सभी को। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि माता चिंतपूर्णी के दर्शन करके होटल तक आते आते हमें 12:30 बज चुके थे। जैसे ही हम लोग होटल में पहुँचे तो ये जल्दी थी कि हमें सुबह जल्दी उठना है और माता ज्वाला देवी के दर्शन के लिए हमें सुबह 6 बजे होटल से चेकआउट करके निकल जाना है। तो ऐसा प्लान करते हुए मैंने अपने मोबाइल के अंदर भी अलार्म ऑन किया सुबह 5 बजे का, बट 5 बजे आँख नहीं खुली तो मैंने 5:30 बजे उठकर मोबाइल चेक किया तो मोबाइल में 8 मिस कॉल थी कैब वाले भैया की, क्योंकि मैंने कैब वाले भैया को बोला था कि सुबह जल्दी से जल्दी हमें चेकआउट करना है, तो भैया ने सोचा होगा कि ये लोग अभी तक नहीं उठे तो हम आगे के डेस्टिनेशन के लिए लेट हो जाएंगे। और फिर फाइनली वेट करके वो भैया खुद होटल के रूम तक आए, उन्होंने 2 से 3 बार रूम को नॉक किया और फिर उठ के हम लोगों ने जल्दी से फ्रेशन अप किया और फिर माता ज्वाला देवी के दर्शन की तरफ निकले। जय माता दी। और ये देखो आप बाहर कितना सुंदर मौसम है, जो आपको कल दिखा रहा था रात को दिखा नहीं पाया था। लेकिन रात को बहुत अच्छा लग रहा था ये, मतलब कि जहाँ अभी भी जो रात को सब में लाइटनिंग हो रही थी तो पता चला था कि हाँ यहाँ पे भी घर है, यहाँ भी घर है। इसीलिए ये हिमाचल जम्मू उत्तराखंड के लोग पहाड़ी इलाके में रहना पसंद करते हैं, लोगों को ज़्यादा शांति चिड़ियाओं की आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, इवन सिटीज के अंदर नहीं मिलेगी अब आपको। ये देखो घर देखो, ये भी नीचे धर्मशाला है। जैसा कि कल देख के पता चले गया होगा कि माता चिंतपूर्णी वे रात को भी कितनी भीड़ थी 12-1 बजे तक, तो वैसी बात है माता ज्वाला देवी भी बहुत भीड़ मिलेगी, तो इसलिए हमको भी विदिन 30 मिनट से यहाँ से फ्रेशन अप होके निकलना पड़ेगा तो माता माता जा पाएंगे और उसके बाद अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जा पाएंगे। अब हम माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं, हम चलते हैं माता ज्वाला देवी की तरफ। जैसे ही माँ ज्वाला देवी पर पहुँचेंगे आपको अपडेट करेंगे। जय माँ चिंतपूर्णी। रास्ते में मतलब कि आपको पहाड़ी एरिया देख के इतना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे, इतनी ग्रीनरी है और इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री है एरिया बहुत ज़्यादा। चिंतपूर्णी से कितने दूर है भैया ज्वाला माता? 35 किलोमीटर। अच्छा, उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, जैसे हिमाचल को भी देवभूमि बोलते हैं ना? हाँ, चारधाम जो यात्रा है ये भी उत्तराखंड में। हाँ, ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड तो यूपी से निकला ना? हाँ, उत्तराखंड तो यूपी से निकला हुआ है। झारखंड बिहार से? झारखंड हाँ, तो बिहार से। और आपका पंजाब हरियाणा से? हरियाणा से तो खैर नहीं कह सकते, दोनों स्टेट काफी बड़े बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। हाँ, ये पूरा पंजाब ही था पहले, उससे पहले फिर पूरा पाकिस्तान मर्ज था, इसमें लाहौर वगैरह। दूसरा जो हिमाचल है ये भी पंजाब, आधा हिमाचल पंजाब में था। अच्छा, आधा हिमाचल पंजाब में था, हरियाणा पंजाब में था, ये जैसे तो खैर नहीं होना चाहिए। तो अब माता ज्वाला देवी पहुंच चुके हैं, अभी अभी टैक्सी से उतरे हैं और अभी चलते हैं माता ज्वाला देवी पर।
देखते हैं वहाँ पे कितनी भीड़ मिलेगी हमें। बोल तो रहे हैं कि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, वो तो जाने के बाद पता चलेगा। हमारे चिंतपूर्णी में हिसाब से भीड़ थी तो मुझे लग रहा है वीकेंड पे इस बार यहाँ पर भीड़ ही मिलेगी। जय माँ ज्वाला, जय माँ ज्वाला, जय माँ शिव शक्ति। देखो हमारी हरियाणा रोडवेज भी हिमाचल में बिल्कुल भी इतनी फास्ट चल रही हैं, बहुत ज़्यादा। ये हमारा ज्वाला देवी का बस स्टैंड है, ये वाला शक्तिपीठ तो माता का बिल्कुल बस स्टैंड के साथ ही है। ज्वाला माता का शक्तिपीठ देख लीजिए। जय हो माता, जय माँ ज्वाला, जय जय माँ ज्वाला, जय माँ ज्वाला। ये माता का, माता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, ज्वाला माता के मंदिर की तरफ। कितने की दी भी है ये प्रसाद वाली टोकरी? माता के दरबार से इतनी ज़्यादा माता की ज्वाला शक्तियाँ जा रही है, ये देखिए आप, ये माता की ज्वाला शक्ति जा रही है। जय माँ ज्वाला, जय माँ ज्वाला, जय हो माँ ज्वाला देवी। अद्भुत है, माँ के दरबार में इतना आनंद है, बहुत ज़्यादा। ज्वाला माता के पूरे प्रांगण में डोली डोल बज रहे हैं और बहुत सारी ज्वाला माता की शक्तियाँ हैं वो जा रही हैं माँ के ज्योत को प्रज्वलित करने जगह जगह पे। ये देखिए, ये माता के मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू हो रही है, ये देखिए। जय माँ ज्वाला, जय माता दी, माता दी, जय माता दी, माता दी। जदों खोदिया ठंडियाँ वावा चलियाँ बच्चियाँ नू चिड़कियाँ मैया नू कलियाँ। जे तू बुलाए तो आइए नंगे पैर, जे तू बुलाए तो आइए नंगे पैर, वे आया नहीं हो जाना तेरे हुक्म बगैर। वे माँ ज्वाला देवी के गर्भगृह में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो माँ ज्वाला देवी के गर्भगृह में घुसने से ठीक पहले एक बहुत बड़ी LED स्क्रीन लगी हुई थी जिसपे आप ध्यान से देख सकते हैं माँ ज्वाला देवी सुबह के 8 से 9 बजे के बीच के दर्शन, जिसमें माँ ज्वाला देवी की जो मुरलो है उसका बिल्कुल पीला रंग था, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, दिन के समय नीला और शाम के समय बिल्कुल लाल रंग हो जाता है। जय माँ ज्वाला। माँ के गर्भगृह में घुसने से ठीक पहले आपको ये माँ की सिंह सवारी दिखाई देगी, और जो ये माँ के शेर है ये आपको दहाड़ की अवस्था में दिखाई देंगे, और जो माँ के गर्भगृह की पूरी तरह से निगरानी किए हुए हैं। ये देखो माँ के गर्भ से, गर्भगृह से निकलने के बाद का नज़ारा, ये माँ के गर्भगृह का गुंबद है जो सोने का बना हुआ है पूरा। ये देखिए, ये देखिए माँ का पूरा प्रांगण, देखिए माँ का त्रिशूल, माँ का पूरा प्रांगण देखिए आप, अति उत्तम, अति उत्तम। यहाँ पर जो माँ ज्वाला की होता है वो एक दिन में 3 रंग बदलती है। इस टाइम माँ की ज्वाला जो उसका रंग येलो रंग का था और वो
शाम के टाइम लाल हो जाएगा और दोपहर के टाइम नीला कलर हो जाएगा। वहाँ की जोत ज्वाला माता की जोत एक दिन में 3 रंग बदलती है। बहुत ही अद्भुत दर्शन है माँ के, माँ ज्वाला देवी के, और माँ की गोरखदेवी भी है वहाँ पे अंदर जिसमें ज्वाला निकली है, और माँ की ज्वाला के बिल्कुल ठीक नीचे गंगा बह रही है। जैसे ही पंडित जी गंगा का छीटा लगा रहे तो माता की जो ज्वाला है वो और ज़्यादा भड़क रही है, और हाथ लगाने पर माता की ज्वाला बिल्कुल शांत बिल्कुल ठंडी है। ये माँ का चमत्कार है। ये देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है जब से करके दर्शन करके निकले, उसके बाद से लेके अब दर्शन के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जय माँ ज्वाला, जय माँ श्री शक्ति। जिस टाइम हम लोग आए उस टाइम इतनी लाइन में इतनी ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन जैसे ही निकले ना तो रश बढ़ गया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इधर चल रहे एक बार, अभी हम आपको दिखाते हैं जो राजा अकबर ने अभी मानवी माता के पास सोने का छतर चढ़ाया था, वो बिल्कुल वो मेटल ही समझ में नहीं आ रहा क्या है, वो हमारी मेटल की क्लास में ही नहीं है कहीं पर भी कि मेटल है नॉन मेटल है। ये देखो इधर हमारे वीर बजरंगी, इधर हमारे बाबा भैरवनाथ, ये माँ के द्वार की निगरानी कर रहे हैं दोनों तरफ से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे शनिदेव जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ माँ माई का छतर जो राजा अकबर ने काफ़ी अभिमान में चढ़ाया था, और वो छतर माँ का क्या कहते हैं सोने का छतर माँ का, माँ ने मतलब कि समझ में नहीं आया क्या बनाया, ना तो ये मेटल है ना ये नॉन मेटल है। ये है माँ का वो छत्र जो राजा अकबर ने माँ को चढ़ाया था, देखिए आप इसको, ये अकबर का छत्र है ये देखो आप माँ के भवन का खुले में इतना अच्छा इतना शांत। ओम नमः शिवाय, कीर्तन भवन आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद है। एक बार ये देखिए ये माँ की सवारी, सिंह सवारी, ये माँ का ये हमें माँ विश्राम करती है। ये मेरी माँ ज्वाला देवी की शेरशैया है, यहाँ पर माँ विश्राम करती है रात को, और एक भव्य आरती के साथ माँ यहाँ पर विश्राम करते हैं। ये माँ की जो सोने की पूरी चांदी की सेज बनाई हुई है, दर्शन कीजिए आप माँ की चांदी की सेज के, ये देखिए। जय माँ ज्वाला, जय माँ। और ये सत्संग भवन भी है माँ ज्वाला की, जो भी आप भव्य सत्संग कीर्तन होते हैं वो इसी हॉल के अंदर होते हैं माता की सेज के, जो रात के टाइम बहुत ज़्यादा सजाई जाती है जब माता के सोने का समय होता है। जय हो माँ, जय जमा, जय माँ श्री शक्ति। ये देखो माता के दरबार में ये हवन कुंड यज्ञशाला है, जो भी यहाँ पे माता के दरबार में अपने नाम से हवन वगैरह कराना चाहता है तो वो यहाँ करा सकते हैं। चलो अब माँ से इजाज़त लेके चलते हैं माँ के अगले शक्तिपीठ पर, और कराते हैं आपको अगले शक्तिपीठ के दर्शन। जय माता दी। तो दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में माता बगलामुखी के दर्शन करने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल में। जय माता दी, हर हर महादेव।